काशी मंदिरों का शहर है, ऐसा कहा भी जाता है कि बनारस में कंकर कंकर में शंकर मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, बनारस में जितने भी घर हैं, जितने भी काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास जितने भी घर हैं, उन सभी घरों में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। कहा तो यह तक भी जाता है, यहाँ के लोग यह भी बताते हैं कि जितने यहाँ पर मुसलमानों के भी घर हैं, जो मदनपुरा का क्षेत्र पड़ता है, जो मुसलमानों के भी घर हैं, वहाँ पर भी काली देवी की मूर्तियाँ और कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर मिलती है। क्योंकि ये जो अभी मदनपुरा है मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया, पहले बंगालियों का क्षेत्र था, जैसे कि आसपास में बंगाली टोला का जो क्षेत्र है, तो पहले वहाँ बंगाली ही लोग रहते थे। और अभी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनना शुरू हुआ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे घरों के अंदर से मंदिर निकल रहे थे। तो ये केवल कहा नहीं जाता है कि बनारस में कंकर कंकर में शंकर है, घर घर में मंदिर मिलते हैं। यह भी कह सकते हैं कि बनारस में घरों से अधिक तो मंदिर ही हैं। तो ऐसा ही एक मंदिर के दर्शन आज हम आपको करवाएंगे, मिलवाएंगे, दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से, जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम ही देखा होगा। तो ये है श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गदौलिया चौराहा से 50 मीटर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अगस्त ऋषि के बारे में आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने एक बार समुद्र को सोख लिया था। राम जी को भी उन्होंने राम रावण युद्ध के दौरान अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। तमिल दक्षिण में यदि आप चले जाएंगे तो तमिल भाषा का जो पिता है, तमिल भाषा के रचयिता भी इनको माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने डायरेक्ट इनको, अगस्त ऋषि को, तमिल भाषा की शिक्षा दी थी और इनके माध्यम से, अगस्त ऋषि के माध्यम से ही तमिल भाषा जो है पूरे तमिलनाडु और वो जो क्षेत्र है वहाँ पे फैली है। तो ये अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी संस्थापना जो है अगस्त ऋषि ने शिव जी की उपस्थिति में की थी, क्योंकि शिव जी से इनका जो लिंक था डायरेक्ट था और शिष्य और गुरु की जो संबंध रहा होगा, क्योंकि शिव जी ने उनको तमिल भाषा सिखाई भी थी। तो आप ये बोर्ड देख सकते हैं, लिखा है काशी स्थित अगस्त कुंडा स्थित महादेव, जिनकी स्थापना स्वयं समुद्र का जल शोषण करने वाले एवं विंध्याचल गिरी के गुरु महर्षि अगस्त ने साक्षात शिव जी की उपस्थिति में की थी। प्रतिवर्ष सावन के प्रथम सोमवार में यहाँ सम्यक तौर पर जलाभिषेक किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। महर्षि अगस्त ने राम रावण युद्ध के समय राम जी को दिव्यास्त्र दिए और पंचवटी नामक स्थान भी रहने को अगस्त ऋषि ने ही राम जी को दिया था। उसके बाद गगन मंडल में भी अगस्त तारा के रूप में दीप्यमान है। तो ये इनका महत्व है। बाकी हम आपको मंदिर के अंदर चलेंगे, दिखाएंगे। हमारे साथ महंत जी भी हैं, श्रीकांत पाठक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इसका महत्व है। सर बहुत स्वागत है आपका। सर एक बार ये शिवलिंग आप लोग देख लीजिए, कितना विशाल शिवलिंग है। और ये बिल्कुल ही गदौलिया चौराहा से 550 मीटर के भीतर ही है। तो हम महंत जी से ही जानेंगे अब कि क्या इसका महत्व है और क्या सर इस महत्व क्या है इसका। ये अगस्तेश्वर महादेव हैं और यहाँ पर आप जो भगवती की मूर्ति देख रहे हैं, ये लोपा मुद्रा माता हैं। तो भगवान अगस्त ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और उन्हीं के द्वारा ये आवाहित स्वयंभू शिवलिंग है। जो काशी खंड में इनका वर्णन है, ये अगस्तेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर भगवती उनकी पत्नी लोपा मुद्रा के द्वारा यहाँ पे लोपा मुद्रा की स्थापना है। तो ये लोपा मुद्रा माता है, ये काशी खंडोक्त काशी शिवलिंग है। और जो गोदौलिया क्षेत्र है इसको गोदावरी तीर्थ कहा गया है। जो अगस्ती ऋषि जो काशी छोड़ के जो दक्षिण भारत में गए थे, वो नासिक में गोदावरी तीर्थ में ही उनका जो है वास्तव्य है। इसीलिए काशी में भी जो है गोदावरी तीर्थ के तट पे ही ये जो अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है। और इनका विशेष महत्व यह है कि जो भगवान स्कंद ने अगस्ती ऋषि को श्री विद्या मतलब जो श्रीयंत्र का जो आजकल पूजन हर जगह चलता है, वो एक बहुत गूढ़ विद्या है जो भगवान स्कंद के द्वारा अगस्ती ऋषि को प्राप्त हुई थी और उनके द्वारा जो है सब संसार में जो है व्यापित हुई है। इसी के ये जो अधिष्ठात्र देवता है, इसलिए इस मंदिर को श्री विद्यापीठ के नाम से भी जो है काशी में जो संत समाज है इसको श्री विद्यापीठ के नाम से भी जानता है। और ये काशी में जो है यहाँ दत्तात्रेय, अलग अलग संतों ने यहाँ पर जो है तपस्या की है, जिसमें दक्षिण भारत में एक प्रमुख स्वामी है जिनका क्षेत्र गोवा में माणगांव में जिनका स्थान है, वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, उन्होंने यहाँ दत्तात्रेय भगवान की स्थापना की। ऐसे अलग अलग महात्माओं ने काशी में आकर यहाँ पर साधना किया है। जितने भी दर्शनार्थी और धर्म कार्य करने के लिए लोग आते हैं, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि अन्नपूर्णा माता जी का जो पूजा होता है उससे भी कुछ संबंध है। शिव जहाँ है वहाँ शक्ति है। काशी में जितने भी मंदिर आप देखेंगे, प्रत्येक में एक देवी का स्थान है। जैसे आत्मावीरेश्वर में कात्यायनी माता है, ऐसे अलग अलग प्रत्येक स्थान में एक देवी का स्थान है।
तो यहाँ पर श्री चक्र के में अन्नपूर्णा जी में जो श्री विद्या का जो कुमकुम पूजा होता है वो श्री चक्र के ऊपर होता है, तो यहाँ पर भी श्री चक्र है, उस पर ललिता सहस्रनाम अन्नपूर्णा सहस्रनाम इत्यादि मने स्तोत्र के द्वारा भगवती का आराधन होता है। तो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ जो पूजा करते हैं यहाँ नहीं करेंगे तो पूर्ण नहीं मानी जाएगी? ऐसा तो नहीं है, नहीं वो वाली जो पूजा है जो अन्नपूर्णा व्रत में चलती है उसमें जो आते हैं अन्नपूर्णा अंतर्ग्रही यात्रा में इनका स्थान है तो उसमें यहाँ पे आना आवश्यक है। क्या है वो? काशी की जो अंतर्ग्रही यात्रा है, जो अलग अलग जो काशी में जो ऐसे काशी की कई यात्राएं हैं, पंचक्रोशी यात्रा जो आप शिवरात्रि को आप देखते हैं कि मणिकर्णिका से शुरू होकर पूरा काशी का परिक्रमा करके मणिकर्णिका का समाप्त होता है, पंचक्रोशी यात्रा बोलते हैं। ऐसे ही काशी में एक अंतर्ग्रही यात्रा है, काशी के अंदर जो जो शिवलिंग और जो जो स्थान है उनका यात्रा करना होता है, उस अंतर्ग्रही यात्रा में यहाँ आकर भगवान का दर्शन पूजन करना आवश्यक है। ये अगस्त मुनि के द्वारा संस्थापित, वैसे तो ये स्वयंभू महादेव है, स्वयंभू शिवलिंग है, लेकिन अगस्त मुनि ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा वगैरह यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया था तो भगवान स्वयं जो है यहाँ प्रकट हुए हैं, माने भगवान ने यहाँ तपस्या किया, अगस्त ऋषि ने आह्वान किया है और भगवान स्वयं स्वयंभू प्रकृष्ट अपने मन से यहाँ प्रकट से केदार जी है, केदार जी में खिचड़ी में जो भगवान प्रकट हुए, ऐसे भगवान ने यहाँ पर जो अगस्त ऋषि ने यहाँ पर जब भगवान का स्तवन किया तो स्वयं भगवान इस शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इनको अगस्तेश्वर महादेव, अगस्त ऋषि के ईश्वर ऐसा स्थान करके इनका मानना है। अगस्त ऋषि मतलब शिव जी के शिष्य भी थे, है ना, तो तमिल भाषा की शिक्षा भी। शिवाय गुरुवे नमः, शिव ही सबके गुरु हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये परंपरा चली आ रही है ना, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो गुरु परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, ये भगवान शंकर ने शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर और अलग अलग शिष्यों के द्वारा अलग अलग विद्याओं के लिए अलग अलग मठ बना के उसके द्वारा सभी विद्याओं का प्रचार किया जाता है, तो सभी विद्याओं के जो गुरु हैं वो भगवान शिव ही हैं जी। तो ये अगस्त मुनि के द्वारा ये स्थापित है, बाकी यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति आप देख पा रहे होंगे, गणेश जी की भी प्रतिमा है, उसके बाद यहाँ पे कई लोगों की मूर्तियाँ, जैसे कि अगस्त मुनि हैं उनकी धर्म पत्नी थी माँ लोपामुद्रा, उनकी भी आप प्रतिमा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जब बात की जाती है कि वैदिक काल में जो विद्वान महिलाएं थीं, एक प्रचार चलाया जाता है कि महिलाओं को पढ़ने का ये वो सब नहीं था, सावित्री बाई फुले ने महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की, तो लेकिन जब लोग इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि लोपामुद्रा उस समय की एक विद्वान महिला थी जो वेदों की ज्ञाता थी, धर्मशास्त्रों की ज्ञाता थी। नाम में जो है इनका नाम है ललिता सहस्र नाम में इनका कुमकुम अर्चन जो होता है वो उसमें भी इनका नाम है, वर्णन है। उनके परमेश्वर जो है श्री अगस्त महर्षि जी भी विराजमान हुए हैं। जो झूठ फैलाया जाता है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, वो साक्षात आप देख रहे हैं कि कितना झूठ है, क्योंकि लोपामुद्रा हो गई, मात्रेयी हो गई, ऐसे बहुत सी विदुषियाँ जो हैं प्राचीन काल में सनातन धर्म में रहीं। और ये जो प्रतिमा है दत्तात्रेय जी की है, दत्तात्रेय जी के बारे में कुछ? अभी दत्तात्रेय के बारे में बताया था ना आपको, जो नासिक के हैं, मरमाओ के हैं, इन्होंने जो स्थापना की थी जी, जी की मूर्ति है। और ये अगस्त महर्षि की प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। तो बनारस जो है हाँ दक्षिण भारत में चले गए थे, फिर जो है यहाँ पे लोपामुद्रा ने कहा कि जब तक आप नहीं आएंगे हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, और जो फिर वापस आए तो इसीलिए हम लोग को मन में आया कि यहाँ पे जो भी है अगस्त महर्षि की भी स्थापना होनी चाहिए। अभी वापस कहाँ है ये, इनकी स्थापना करवाई ने अभी? हाँ। मतलब एक ये भी तो कहा जाता है कि जब विंध्य पर्वत बढ़ रहा था तो हाँ। सूर्य को लगा कि हाँ। भाई प्रकाश को हमारे ढक लेगा, तो उनके शिष्य थे विंध्याचल हाँ। तो वो उनको रास्ता दिया, तो वो जाके दक्षिण में ही कहीं बस गए, जाके बस गए जाके साउथ में। तो आपने यहाँ स्थापना करा था मतलब? हाँ अभी ये 2 जुलाई में करवाई है। माँ लोपामुद्रा जो है वो साउथ में बैठी हुई है, वो तो वहीं पर उनका मंदिर है, फिर इसके बाद यहाँ बनारस में है और कहीं नहीं आपको मिलेगा माँ लोपामुद्रा का विग्रह कहीं नहीं। तो जो अगस्त मुनि हैं वो बहुत ही मतलब प्रचलित हैं, केवल उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत में भी, कि जैसा हम आपको बता रहे हैं तमिल भाषा का पिता भी जो है अगस्त ऋषि को कहा जाता है। जो दक्षिण की गंगा है कावेरी नदी, माना जाता है कि ब्रह्मा जी से उन्होंने तपस्या करके उन्होंने ही मांगा था, तो कावेरी नदी अगस्त ऋषि के माध्यम से ही जो है आज तमिलनाडु केरल वहाँ पर बहती है। और उसके बाद जब देवता और असुरों का युद्ध हो रहा था तो कई सारे राक्षस जो है समुद्र में छिप गए थे, तो अगस्त ऋषि से देवताओं ने जाके विनती की
कि समुद्र के अंदर हम कैसे राक्षसों को मारेंगे, तो उन्होंने समुद्र का पूरा जल ही अपने कमंडल में सोख लिया था। तो ये अगस्त ऋषि की महिमा है और पूरा इतिहास है पूरे भारत में जो है अगस्त ऋषि के बारे में फैला था। जो बनारस है, यहाँ एक से एक संत महात्मा ज्ञानी ऋषि आए हैं। बनारस प्रसिद्ध है तुलसीदास के लिए, उन्होंने ही यहाँ रामचरितमानस की रचना की। शंकराचार्य यहाँ पे आए, अगस्त मुनि का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अगस्त कुंड भी कभी हुआ करता था, यहाँ पे उनकी प्रतिमा है, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। तो शिवलिंग जो है यहाँ पे देखिए नवग्रह भी है, इस मंदिर में नवग्रह की भी स्थापना की है। ये जो आप देख रहे हैं श्याम रंग की जो प्रतिमा है, ये भगवान शनिदेव की प्रतिमा है, ये भी तो ग्रह के नवग्रह में ही आएंगे ना, तो इनका बड़ा बना दिया है थोड़ा सा। बाकी और नवग्रह जो हैं, ये द्वारपाल मतलब ये हनुमान जी को बना रखा है कि भाई वो हैं। बाकी आप देख ही सकते हैं कि बनारस में जो है, काशी में जो है, शिवलिंग आपको हर जगह दिखेंगे। किसी भी मंदिर में आपको एक शिवलिंग नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, जैसा आप देख भी रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि वो जो शिवलिंग आप देख पा रहे हैं अगस्तेश्वर महादेव की, वो तो है, बाकी पीछे देखिए वहाँ भी शिवलिंग है। तो जब श्रद्धालु आते होंगे तो ऐसा नहीं कि केवल अगस्तेश्वर महादेव की जो शिवलिंग है उसी पर जलाभिषेक करके चले गए, जितने शिवलिंग हैं सब पे जलाभिषेक होता है, सब सिद्ध हैं, सबका महत्व है जी। इसीलिए जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो उसमें कई सारे ऐसे सिद्ध जो हैं प्राचीन शिवलिंग थे, वट वृक्ष थे, उनको तोड़ा गया, तो कई साधु महात्माओं ने उसको लेके जो आंदोलन भी किया और फिर उसकी जो शिवलिंग है उसको ले जाके अपने आश्रम में रखा, कुछ पुलिस वालों ने थाने में जमा करा ली। तो ये जो है ये आस्था है बनारस की। आप देखिए कई सारे शिवलिंग ऐसे पड़े हैं, किसी पे बेलपत्र हैं, किसी पे नहीं हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि काशी में क्या स्थिति रही होगी प्राचीन समय में, कितने लोग पूजा पाठ करते रहे होंगे, धर्मार्थ कार्य करते रहे होंगे। अभी भी देखिए इतने सारे शिवलिंग हैं और सब पे आपको बेलपत्र दिख जाएगा, मतलब कि सब पे जलाभिषेक हुआ है, सब पे जो है इस तरह के ये हुए। ये क्या है भाई साहब? ये सूर्य चक्र। अच्छा, ये सूर्य चक्र है, क्या इसका महत्व है? ये सूर्य चक्र है जी, जो सूर्य के लिए रोका जाता है, ये सूर्य चक्र है। सूर्य चक्र है, तो सूर्य चक्र है, इसके उस तरफ जो है अपने दत्तात्रेय जी की मूर्ति है और आगे जो है शिवलिंग है। तो केदारेश्वर कहाँ पे है? नीचे छोटे से केदार। अच्छा, नीचे छोटे केदारेश्वर भी हैं। तो जितने भी तीर्थ भारत में या विश्व में हैं तो आपको सब जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल जो है आपको काशी में ही वो सारे तीर्थ मिल जाएंगे। इसीलिए काशी को कहा भी जाता है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है, काशी में लोग अंतिम समय में भी आते हैं। और इसीलिए आप देखिए जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो यहाँ पे जो दर्शनार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ साई की मूर्ति भी लगा दिए हैं, तो एक तरह से भ्रष्ट करने का काम जो है किया जा रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।